शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में। नॉन एग्री कम्युनिटीज में हम देख रहे हैं कि सोना आज $1854 पर ट्रेड कर रहा है और जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो $23.3 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि कल के मुकाबले सोने में हल्की सी, बहुत ही मामूली सी करेक्शन देखने को मिली है। दरअसल अब खबरें ये निकल के सामने आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, उसमें जो रशिया है उसने अपने जो ट्रूप्स हैं आर्मी के, यानी कि जो सेना तैनात की हुई थी, उसमें से कुछ सैनिक वापस अपने बेस पर भेज दिए हैं, जिसकी वजह से जो बाकी देशों को चिंताएँ हो रही थी कि कहीं रशिया और यूक्रेन का तनाव अगर ज़्यादा बढ़ता है तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है और इसका असर हमने जो बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पर भी पड़ता देखा था महंगाई के तौर पर, उसमें अब हल्की सी नरमी देखने को मिली है। अब बाकी देशों को ये लग रहा है कि रशिया ने ये जो अपने अमेरिकी सेना वापस भेजी है बेस पर, उसकी वजह से अब हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है ये सुलझ जाए। अभी ऐसे मार्केट में सेंटीमेंट्स बन के नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज सोने चांदी की कीमतों पर एक हल्का सा दबाव बना रह सकता है। बात करें यहां से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $92 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 पर। देख रहे हैं कि जो WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 और $95 पर ट्रेड करते नजर आ रहे थे, उनमें भी नरमी देखने को मिली है। कारण वही है, रशिया ने अपने जो सेना है उसमें से कुछ सेना के जो लोग हैं वो अपने वापस बेस पर भेज दिए हैं, जिसकी वजह से अभी ऐसे हालात बनते नज़र आ रहे हैं कि जो रशिया है और यूक्रेन है वो आगे अपना जो तनाव चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए अभी कह सकते हैं कि एग्री हुए हैं एक तरह से। लेकिन अभी बस ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि मामला पूरा सुलझ चुका है, अभी ऐसी बस खबर निकल के सामने आई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कम्युनिटी बाजार में सोने चांदी या कच्चे तेल में निवेश करना चाहिए या नहीं, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मगर MCB पर। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रशिया ने अपने कुछ आर्मी ट्रूप्स आर्मी बेस पर भेज दिए हैं, ऐसे में कच्चे तेल में जो हल्की सी करेक्शन आई है, आपको क्या लगता है, क्या ये आगे अभी और बढ़ सकती है या फिर यहाँ से कच्चे तेल का जो बाजार है आगे तेजी में ही रहेगा? मुनाफा वसूली जरूर आई है ऊपरी स्तरों से, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर सोना चांदी, सभी में ही ऊपरी स्तरों पर एक हल्की मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमें सिनेरियो देखने को मिला है उसके चलते माना यह जा रहा है कि अभी भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है और ये बनी रह सकती है। और जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट का, उसका असर ये होगा कि अभी फिलहाल बाजार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जो है सेफ हेवन कमोडिटी की तरफ जाते हैं, वो है गोल्ड। और उसके अलावा जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल की सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब है और अभी और ज्यादा सप्लाई जो है वो बाधित होती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते माना यह जा रहा है कि कच्चा तेल अभी $95 से लेकर $98 तक WTI सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक $90 के ऊपर सस्टेन है मार्केट, तब तक बहुत ज्यादा करेक्शन की फिलहाल उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर स्थितियां सुलझती हैं और अगर आपस में कुछ सामंजस्य बैठता है तो डेफिनेटली सोने में भी गिरावट आ सकती है और कच्चा तेल भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल जो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से ही इनकी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल बना रह सकता है। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने कीमतें ऊपर जाते हुए देखी थी, आज देख रहे हैं हल्की सी करेक्शन है, आपको क्या लगता है, क्या आज सोने चांदी की कीमतों पर ऐसी दबाव बना रह सकता है? देखिए, बिल्कुल 13 महीने की ऊंचाई से सोना लुढ़क चुका है, 50,151
पर हमने ट्रेड करते हुए देखा और उसके बाद अब गिरावट आई है और 50,000 के नीचे लुढ़क चुका है। लेकिन अभी भी माना यह जा रहा है कि गोल्ड में तेजी का रुख बना रहेगा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और गोल्ड को निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। दुनिया में जब भी कभी राजनीतिक इस तरीके की अनसर्टेनिटी फैलती है तब सोने में ही तेजी देखने को मिलती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल उम्मीद है कि सोना ऊपर में 51,000 से लेकर 52,000 रुपए के स्तर जल्द छूता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यूक्रेन संकट का हल हो जाता है तो सोने में नरमी बनती हुई दिखाई दे सकती है, अदरवाइज इनमें तेजी बनी रहेगी। और इसके चलते अभी माना जा रहा है कि गोल्ड नीचे में 48,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और वहीं अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड में भी नरमी देखने को मिली है जिसकी वजह से भी गोल्ड में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल सारा फंडामेंटल अभी गोल्ड के अंदर सपोर्टिव है जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 51,000 से लेकर 52,000 रुपए के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, इसी के साथ नजर डालने अगर बेस मेटल्स की ओर, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स पर भी ये जीपोर्टी के टेंशन का असर देखने को मिलेगा? क्या बेस मेटल्स में भी यहाँ से हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है? देखिए यहाँ पर बेस मेटल में नरमी नहीं बल्कि तेजी देखने को मिलेगी। आप देखिए पिछले हम 2 से 3 कारोबारी अगर सेशन को देखें तो बेस मेटल्स में निचले स्तरों से उठाव आया है। कॉपर देखिए आप, जो कि लंबे अरसे से हम उसको 750-60 तक मैक्सिमम आते हुए देखते थे, आज 771 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 780 का टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकता है और 780 के बाद 800 के स्तर को छूने के लिए कॉपर अग्रसर हो सकता है। तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। निकल भी करेक्शन के बाद एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और 1780 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निकल भी अगेन 1800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, हल्की फुल्की करेक्शन बनी रह सकती है। जिंक ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, जिंक नीचे में 298 के आसपास सपोर्ट लेता दिखाई दे सकता है और यहाँ से अगेन वापसी भी कर सकता है। तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड जो है मिला जुला सा रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो अभी भी बेस मेटल में पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि बेस मेटल अभी भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज के लिए आप इंट्राडे में नॉन एग्री के, जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बेस मेटल्स में ही पॉजिटिव रहना चाहिए और बेस मेटल्स में बाइंग करके चला जा सकता है। और आज कच्चे तेल में भी लेवल्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, अगर ये 5900 के आसपास चल रहा है, अगर 6880 के आसपास आता है तो वहां पर कच्चे तेल में भी बाइंग करके चल सकते हैं। अभी पॉजिटिव लग रहा है मार्केट और मुझे लगता है कच्चा तेल अगेन 7000 से 7100 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम से भी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाए अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।